पूछा मुझसे क्या है इस धूमधाम का प्रयोजन। ये जो मन है वो अक्सर सवाल उठाया करता है आसपास की गतिविधियों को देखते हुए, बहुत मथता है। तो शिक्षक दिवस का देख भव्य आयोजन, मन ने पूछा मुझसे क्या है इस धूमधाम का प्रयोजन। मैंने कहा प्रणाम महान शिक्षकों को, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर राधाकृष्ण। सम्मान है उन शिक्षकों का जो स्वयं ज्ञान के अग्निकुंड में तपकर, विद्यार्थियों के जीवन का उपाय निखारते हैं कुंदन। इस जवाब से कैसे संतुष्ट हो जाता चंचल मन, क्योंकि मन तो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। तो इस जवाब से कैसे संतुष्ट हो जाता मेरा चंचल मन। कहा, ज्ञान तो है आज हर तरफ बिखरा पड़ा, तकनीक के इस दौर में हर व्यक्ति कर रहा वितरण, फिर शिक्षक की क्या भूमिका, क्या है शिक्षक। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी मेरे मन, लेकिन क्या तुमने यह भी देखा कैसे दिन प्रतिदिन हो रहा मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन, मेरे प्रति प्रश्न से अचकचाया, भौचकता सा बोला मेरा विधु मन। परिवर्तन तो है प्रकृति का शाश्वत सत्य नियम, बनाया मानव जीवन सुगम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, परंतु ज्ञान का गुण अर्थ जो समझाता, उपदेश नहीं जीवन का उद्देश्य बताता, जीने की उलझने जो समझाता, संवेदनाओं की समझ जो सिखाता, व्यक्ति से इंसान निर्माण, के पथ पर दिखाए जो सही रास्ता, दे जो सही मार्गदर्शन, वह है शिक्षक, वही है शिक्षण। शिक्षक का विद्यार्थियों से है अनोखा रिश्ता, अनोखा बंधन। इनका स्थान क्या कभी ले पाएंगे ये उपकरण, बच्चों की प्रेरणा, स्वप्नों की उड़ान, स्फूर्ति उत्साह और ऊर्जा का संचरण। शिक्षा भले